बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सभी है किचन फूड सीक्रेट। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी और चटखारेदार पानी वाली फुल्की बनाना सिखाऊंगी। ये पानी वाली फुल्की खाने में इतनी लजीज लगती है कि आप इसके आगे पानी पूरी, चना चाट को भूल जाएंगे। चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीटर तैयार कर लेंगे बेसन का। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे बाउल के अंदर। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 कप वाटर और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे और बीटर तैयार कर लेंगे। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरीके से ना बीट करना है लाजमी। आप इसको जितना बीट करेंगे ये उतने ही आपकी फुल्कियाँ जो हैं वो फ्लफी बनेंगी। तो आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से बीट करना है। और अगर आपके पास घर में बीटर है जिसे हम बीट करते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है, आप उससे भी इसको बीट कर सकती हैं 5-10 मिनट के लिए। ठीक है, ये अच्छे से फूल जाएगा। अब हम इसको आधे घंटे के लिए साइड पर रख देंगे ताकि ये बेसन जो है हमारा और फूल जाए, जब तक हम इसका खट्टा पानी बना लेते हैं। अब हम इसका पानी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया है, इस यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी ले लिए हैं इसके अंदर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ली है ये इमली की चटनी, मीठी चटनी इमली की। मैंने ये पहले से ही घर में बना के रख ली थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इमली की मीठी चटनी है ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 पाव इमली जो है वो भिगो दें और उसका जो पल्प होता है वो निकालें और वो इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है ये 4 टेबल स्पून इमली की चटनी, मैं इसके अंदर ये डालूँगी। ये देखिए जी, ये है मेरे पास यहाँ पे हरी चटनी जो हम घर में बनाते हैं, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन डाल के और नमक डाल के ये चटनी हमारी बनी हुई है। तो हम इसके अंदर ये डालेंगे 2 टेबल स्पून ये वाली चटनी। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा अदरक का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक, 1/2 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट, 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, भून के लाजमी डालना है आपने। खट्टा मीठा सा हमारा पानी जो है ये बनके तैयार होगा। आप यहाँ पर इसको चख भी सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको और खट्टा मीठा बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से इसमें कुछ खट्टा कम है या तीखापन कम है तो आप अपने हिसाब से इसके साथ ऐड कर सकते हैं इसमें अपनी चीज़ें। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीना जो है ये बारीक कटा हुआ है, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको अब हम साइड पे करके रख देते हैं और अब हम अपना बेसन देखते हैं कि वो कितना फूल गया है और उसको फिर हम फ्राई करते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी बीट कर लिया और ये डबल हो चुका है बीट हो के। तो अब मैंने इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा इसमें से हाथ के ज़रिए उठाना है या चम्मच के ज़रिए और इस तेल में डालते जाने जाना है। ये देखिए जी, एकदम से ये फूलना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर मैंने कोई भी आपके सामने कुछ भी नहीं डाला था, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह, ये बीट करने से ही ये फूली है। चारों तरफ से आपने इसको इस तरीके से उलट पुलट करना है ताकि ये हर जगह से सिक जाए। ये देखिए जी, ये मैंने इसको डाल दिया है इस तरीके से, चम्मच के जरिए डालते हैं, हाथ के जरिए डालें, चम्मच से डालते हुए थोड़ा सा ज़रा ये गोल गोल डल गई हैं, ज़्यादा ये एलियन की शक्लें नहीं बनी है इसके अंदर। तो अब हमने इसको निकाल के पानी में डालना है और ये कलर आप देखें, इतना प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। यहाँ पर ये हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से, कलर आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब हमने एक बाउल में सादा पानी ले लिया है और उसके अंदर अब हम इसको डाल देंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है जिसके अंदर ये सादा पानी है, तो इसके अंदर अब हम अपनी ये फुल्कियाँ डाल देंगे। ये देखिए, चेक करें इसकी सॉफ्टनेस, चेक करें, ठीक है। ये देखिए, ये अंदर से खाली है ना, तो इसका मतलब है कि ये कितनी फूली हुई बनी है। पानी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, फुल्कियाँ भी हमारी रेडी हैं। ये देखिए जी, ये फूल गई हैं अच्छे तरीके से। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें से एक एक फुल्की निकालते जानी है और इसको इस तरीके से दबाना है ताकि इसका ये पानी निकल जाए, पानी में डालते जाना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये लच्छेदार प्याज।
पानी फुल्की बनके तैयार हो गई है। ये जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी खाने में बहुत लजीज है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।